नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अवैध शराब परिवहन व विक्रय को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत घटिया थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ दबिश देकर मौके से 55 लीटर कच्ची शराब व 60 किलो लोहान बरामद करने के साथ ही एक अन्य कार्यवाही में आगर की ओर से आ रही मारुति जैन कार से 6 पेटी अवैध शराब जब्त की है। मामले में SDOP महितपुर RK राय एवं थाना प्रभारी विपिन बाथम ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर ग्राम रलायता में मोहनलाल के खेत में अवैध हाथ पट्टी की कच्ची शराब बनाते हुए भवरलाल पिता बलवंत निवासी कालूखेड़ी से 57 लीटर कच्ची शराब के साथ ही 60 किलो लोहान जब्त किया गया। वहीं मुखबिर की सूचना पर एक सुजुकी वैन लाल रंग की कार को रोक कर जाँच की तो उसमें से 6 पेटी अवैध शराब तस्करी के लिए आगर से उज्जैन की ओर ले जाई जा रही थी। दोनों कार्यवाही में थाना प्रभारी विपिन बाथम, उप निरीक्षक AB खाका, प्रधान आरक्षक भैरूलाल, आरक्षक अरविंद यादव, माता दीन महेंद्र यादव, विजय सिंह सैनिक, मोहन दास व कमल की सराहनीय भूमिका रही। ये अवैध शराब परिवहन और उसके विक्रय को लेकर अभियान के अंतर्गत कल घटिया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम रलायता में एक व्यक्ति कोई मोहनलाल के खेत पर अवैध रूप से विक्रय कर रहा है। उस सूचना पर थाना घटिया के थाना प्रभारी के द्वारा दबिश दी गई थी और उस दबिश में हाथ बटे कच्ची शराब भट्टी पकड़ी गई थी और एक व्यक्ति जो इस कारोबार में लिप्त था, भंवरलाल नाम का व्यक्ति कोलूखेड़ी का, उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और वहां पर करीब 57 लीटर तो बनी हुई कच्ची शराब मिली थी और लगभग 60 लीटर महुआ लहान बरामद हुआ था जिसको मौके पर नष्ट किया गया है और बनी हुई जो हाथ भट्टी की शराब की कच्ची वो जब्त करके उसके खिलाफ 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसी तरह से घटिया पुलिस को कल एक और सफलता मिली। शाम को कच्ची शराब और कुछ पक्की शराब पकड़ी, क्या है पूरा मामला, कितने आगे गिरफ्तार? पूरा मामला ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ये अवैध रूप से शराब के परिवहन और उसको विक्रय के करने वाले ऐसे तत्वों के विरुद्ध हमारा अभियान चल रहा है। उस अभियान के अंतर्गत कल मुखबिर की सूचना मिली थी कि ग्राम रलायता में एक व्यक्ति खेत पर अवैध रूप से महुए की कच्ची शराब बनाता है और वो बेचता है। इस सूचना पर थाना प्रभारी घटिया और उनकी टीम ने कल रलायता में दबिश दिया था जिसको मौके पर हाथ भट्टी की कच्ची शराब महुए की बनाते हुए भंवरलाल नामक व्यक्ति को पकड़ा गया था जो ग्राम कोलूखेड़ी का रहने वाला है और वहाँ मौके पर लगभग 60 लीटर महुआ लहान और 57 लीटर बनी हुई हाथ भट्टी की कच्ची महुए की शराब बरामद हुई थी जिसको भंवरलाल के विरुद्ध हमने कार्रवाई 34(2) के तहत कार्रवाई किया है। शाम को पुनः एक मुखबिर की सूचना मिली कि आगर जिला आगर की तरफ से एक गाड़ी में अवैध रूप से शराब भरकर उज्जैन की तरफ ले जाई जा रही है। इस सूचना पर भी हम लोगों ने वाहन चेकिंग लगाया था और वाहन चेकिंग के दौरान एक जैन कार, मारुति की जैन कार है, जब उसको रोक के तलाशी ली गई तो उसमें 8 पेटी शराब, जिसमें 2 पेटी मसाला शराब थी और 6 पेटी सफ़ेद शराब थी और इतनी मात्रा में ये शराब हमको मिली। उसमें से जो व्यक्ति वाहन चला रहा था उसको हमने पकड़ा है, सुनील नाम का आदमी है और 2 आदमी पुलिस को देख करके भाग गए थे, उनको भी हमने आरोपी बनाया है। उन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।